बाजीगरो बाजीगर किसी रोज अपनी मुलाकात होगी। कुछ साल पहले ऐसा लग रहा था कि अब शाहरुख खान का करियर खत्म होने के कगार पर है। उनमें अब पहले जैसा स्टारडम नहीं रहा क्योंकि उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। फिर भी सभी आलोचकों का मुंह बंद करते हुए पठान जवान जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। अब डंकी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। यहाँ शाहरुख अपनी ही एक पुरानी फिल्म बाजीगर के अंदाज में वापसी करते नजर आ रहे हैं। मैं तो लुट पुट गया। और मानो कह रहे हैं कि कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर ओ बाजीगर। ये शाहरुख खान की खासियत है कि वो कभी आसानी से हार नहीं मानते और अपने काम को बड़े ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, इसलिए इन्हें किंग खान कहा जाता है। कहते हैं भीड़ से कुछ अलग करने के लिए अपने अंदर एक अलग महत्वाकांक्षी एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है और वो महत्वाकांक्षा शाहरुख के अंदर पहले से ही था। शाहरुख ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब वो पहली बार मुंबई आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं इस मुंबई शहर पर राज करूंगा। उस समय शायद ये बात मजाक लगती, लेकिन आज इन्होंने ये बात सच साबित किया है। जब इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो कई साथी कलाकार ने इनकी महत्वाकांक्षा का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन शाहरुख ने सबको अपने काम से जवाब दिया और वक्त के साथ यही एक्टर्स उनसे पिछड़ते चले गए। आज हम जानेंगे शाहरुख की फिल्मी करियर के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, तो वीडियो से अंत तक बने रहना। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रियल एंड रियल बायोग्राफी। शुरुआत करते हैं इनकी पहली डेब्यू फिल्म दीवाना से। शाहरुख खान इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर साइन किए गए थे, जिसे इनसे पहले अरमान कोहली, अविनाश वाधवन, पृथ्वी जैसे स्टार्स इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। कहते हैं कि अरमान कोहली और फिल्म के प्रोड्यूसर के बीच झगड़ा हो गया था, इसलिए इन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। वहीं अविनाश वाधवन और पृथ्वी ने फिल्म को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि वो सपोर्टिंग रोल करना नहीं चाहते थे। खैर, शाहरुख खान इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए फिल्म साइन की और यहीं से उनकी किस्मत चमक उठी। अगले कुछ सालों में अरमान कोहली, अविनाश वाधवन, पृथ्वी की कुछ फिल्में तो अवश्य आई, लेकिन वो दिन प्रतिदिन दूसरे एक्टर्स के मुकाबले भीड़ में होते चले गए और धीरे धीरे गुमनाम हो गए। ऐसे ही एक अभिनेता हैं राहुल रॉय, जो कि अपनी पहली फिल्म आशिकी से चारों तरफ छा गए थे और हर फिल्मकार उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब था। राहुल रॉय ने उस समय लगातार कई फिल्में साइन कर ली थी और खूब बिजी हो गए, लेकिन यही व्यस्तता ने उनसे कई फिल्में भी छीन ली। ऐसे एक फिल्म थी डर। द कपिल शर्मा शो में खुद राहुल रॉय ने बताया था कि शाहरुख खान से पहले फिल्म डर उन्हें ऑफर हुई थी। वेल, राहुल तो इस फिल्म को छोड़कर पछताए, लेकिन सनी देओल तो इसे करके भी पछताए थे। शाहरुख खान पूरी फिल्म में छाए रहे और फिल्म में खलनायक होने के बावजूद भी दर्शकों की सहानुभूति ले उड़े। कहा जाता है कि इस फिल्म में अपनी भूमिका का हश्र देखकर सनी देओल काफी नाराज हुए थे और कसम खाली थी कि दोबारा वो कभी यश चोपड़ा और शाहरुख खान के साथ काम नहीं करेंगे। खैर, बात जो भी हो, लेकिन फिल्म को देखकर तो यही लगता है कि पूरी फिल्म के दौरान शाहरुख खान सनी देओल पर भारी रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शाहरुख खान के रोमांटिक फिल्मों की और उनके छवि की। अगर पूछा जाए कि 90 के दशक में सबसे कामयाब रोमांटिक फिल्में और रोमांटिक नायक कौन हैं, तो बेशक लोग शाहरुख खान और उनकी फिल्मों का नाम लेंगे। रुक जाओ दिल दीवाने। 90 के दशक और मध्य तक आते आते शाहरुख खान अपने करियर के पीक पर थे और इसका एक सबसे बड़ा कारण था उस समय के सभी स्थापित फिल्म निर्माण कंपनियों के साथ शाहरुख खान के अच्छे संबंध। जिन फिल्मों को सलमान और आमिर खान नकार चुके थे, उसे शाहरुख खान ने स्वीकार करके यशराज फिल्म्स में अपनी परमानेंट जगह बना ली। इसके बाद यशराज की अगली बड़ी बजट की DDLJ के लिए शाहरुख खान यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा के पहले और आखिरी च्वाइस बने।
हाँ, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शाहरुख खान से पहले यह फिल्म टॉम क्रूज को ऑफर की गई थी, जो थोड़ी गलत जान पड़ती है। लड़की है यह जादू। एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डर जैसी एक फिल्म ने किस प्रकार सारा पासा ही पलट दिया और सलमान तथा आमिर जैसे प्रतिद्वंदियों को शाहरुख खान ने DDLJ जैसी फिल्म करके पछाड़ दिया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। शाहरुख खान पर यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा पूरी तरह से मेहरबान हो चुके थे। नतीजन अपने आगामी दो मल्टी स्टारर फिल्में दिल तो पागल है और मोहब्बतें के मुख्य नायक के रूप में शाहरुख को ही मौका दिया। इन दोनों ही फिल्मों में अपना शानदार अदाकारी से शाहरुख खान अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेताओं के सामने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई। अस्सी के दशक के अंत में जो काम मिथुन चक्रवर्ती कर रहे थे, अब वही जिम्मेदारी शाहरुख खान ने उठा ली थी। याद रहे कि 80 के दशक के आखिरी में अपनी फिल्मों को हिट करवाने के लिए अमिताभ को मिथुन चक्रवर्ती की जरूरत पड़ने लगी थी। वहीं 90 के दशक में शाहरुख खान ने अमिताभ के डूबते करियर को सहारा दिया और मोहब्बतें फिल्म के जरिए अमिताभ ने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की, जो आज तक जारी है। यशराज फिल्म की ही तरह उस दौर के एक और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट के भी शाहरुख खान फेवरेट रहे, जिसे कर्ता धरता थे राकेश रोशन। अगर आपको याद हो तो शाहरुख खान ने राकेश रोशन के साथ फिल्म किंग अंकल में पहली बार काम किया था। इस फिल्म के मुख्य नायक थे जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान ने सहनायक की भूमिका निभाई थी। इस समय जैकी श्रॉफ शाहरुख खान से बड़े स्टार थे, लेकिन अगले कुछ सालों में पासा कुछ यूं पलटा कि साल 2001 की फिल्म 1-2-4 और 2002 की फिल्म देवदास में मेन हीरो शाहरुख खान बने और वहीं जैकी श्रॉफ सपोर्टिंग रोल्स में सिमट गए। साल 2014 तक आते आते पूरी कहानी ही बदल गई। इस साल आई फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में जहां शाहरुख खान मुख्य नायक बने थे, वहीं जैकी श्रॉफ खलनायक बने थे। वेल, वापस लौटते हैं शाहरुख खान और रोशन की तरफ। किंग अंकल के बाद राकेश रोशन की दो बड़ी बजट की फिल्में करण अर्जुन और कोयला, दोनों में शाहरुख खान ने काम किया और खुद को रोमांटिक एक्टर के साथ साथ जबरदस्त एक्शन स्टार भी साबित किया। फिल्म करण अर्जुन में राकेश रोशन ने इनके दोनों लीड एक्ट्रेस सलमान खान और शाहरुख खान के हिस्से बराबर एक्सपोजर रखा, लेकिन एक फिल्म क्रिटिक्स की नज़र से देखा जाए तो शाहरुख खान कहीं ना कहीं सलमान पर भारी रहे। वैसे फिल्म कोयला जो व्यावसायिक तौर पर उतनी सफल तो नहीं रही, लेकिन उस दौर के एक्शन स्टार सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार आदि की कुर्सी हिलाने के लिए काफी थी। यश चोपड़ा फिल्म्स और फिल्म क्राफ्ट के बाद उस दौर के एक और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी शाहरुख खान के रिश्ते बेहतर रहे। साल 1990 में आई फिल्म अग्निपथ की नाकामयाबी के बाद धर्मा प्रोडक्शन पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी और इसके कर्ता धर्ता यश जौहर न केवल कंगाल हो गए बल्कि भारी कर्जे में डूब गए। ऐसे में अपने पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आए उनके बेटे करण जौहर, जो फिल्म के ABCD से भी अनजान थे। करण ने यह कला एक असिस्टेंट के तौर पर सीखने की ठानी और यशराज बैनर की फिल्म DDLJ से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। इस दौरान शाहरुख खान ने करण को अपने पिता की बैनर तले फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म कुछ कुछ होता है का निर्माण हो पाया। इस फिल्म से करण जौहर न केवल बतौर निर्माता निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए बल्कि उनके फिल्म निर्माण कंपनी भी चल निकली। इधर शाहरुख खान जो DDLJ और दिल तो पागल है जैसे फिल्मों से बतौर रोमांटिक हीरो खुद को सबसे बड़ा दावेदार के रूप में पेश किया था, उस पर फिल्म कुछ कुछ होता है ने अंतिम मोहर लगा दी। बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। भले ही आप आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त, सनी देओल, अक्षय कुमार और अनिल कपूर के फैन हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप यह अवश्य मानते होंगे कि 90 के दशक के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो शाहरुख खान ही थे। घर तक आ गए और हैरोबा
वो भी हो गया, दोस्ती की भी कोई लिमिट होती है ना। वेल, इस दशक के अंत तक आते आते अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन जैसे नई पीढ़ी के एक्टर्स से यह उम्मीद की जाने लगी थी कि वो शाहरुख खान के स्टारडम को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यह भी एक कोरी कल्पना ही साबित हुई। ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है तो लोगों को पसंद आई, लेकिन इस मामले में अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी की किस्मत खराब निकली। इन दोनों के साथ तुलना करने पर शाहरुख खान आज भी निर्विवाद रूप से आगे हैं, और कहीं ना कहीं ये दोनों शाहरुख खान के स्टारडम के शिकार हुए, नहीं तो काबिलियत इनमें भी कम नहीं था। तो यह दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।